नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज है 15 दिसंबर 2023 उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करते रहिए अच्छे से करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम के नज़दीक अगर वो डर पैदा ना हो जो अमूमन सभी कैंडिडेट्स के एस्पिरेंट्स के मन में आ जाता है जब यहाँ पर प्रलियम्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है इधर उधर भटकते हैं कहाँ से करें कैसे करें हे प्रभु हे दीनानाथ हे प्रमनंद तो वो वाली सिचुएशन ना हो आपके साथ तो इसके लिए करंट अफेयर्स को डेली करते रहिए ठीक है, है ओके और क्विजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्यूजेज़ लगाइए क्योंकि आपको करंट अफेयर्स तब तक याद नहीं रहेगी जब तक आप क्विजेज़ नहीं लगाएंगे क्यूजेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ जब जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं अपनी रूटीन की आदत में डालिए करंट अफेयर्स को नहीं डालेंगे तो अभी जो आदत डल जाएगी बिना करंट अफेयर्स की तैयारी करने की वो आदत डली रह जाएगी और वही आदत फिर आपको खराब करेगी फिर बाद में आदत डालनी मुश्किल हो जाएगी और फिर उस आदत की वजह से कहीं ना कहीं एग्जाम आपका हेम्पर हो सकता है आपको उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से सुनाई दे रही होगी अभी तक जितनी बातें मैंने कही हैं वो आपके जहन में बैठ गई होंगी इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज है पंद्रह दिसंबर जैसे मैंने आपको बताया आगे बढ़ जा मेरे भाई बढ़ जा मेरे भाई बढ़ गया सो so, ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है इनकेस अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं मेरे बारे में जानना चाहते हैं सॉरी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं छोटी मोटी बातें हमारे बारे में पढ़ लीजिएगा लर्निंग नीति हमारी ऐप है हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हमारे तरफ से पेड क्लासेज चलती हैं और साथ ही साथ फ्री कोजेज़ भी अवेलेबल रहते हैं फ्री कोजेज़ आपको वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और डेली बेसिस पर अपलोड होते हैं मंडे टू फ्राइडे ठीक है उनको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए आपके लिए फ्री एक्सेस है प्रिलम्स और मेन्स लेवल दोनों के वहां पर क्वेश्चन अवेलेबल है आपके लिए ओके नोट्स बेटा मैं यहां पर रिकमेंड नहीं करता हूं वैसे तो क्योंकि आपको जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं दैट इज आल्सो नोट्स है ना लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लिख कर ही याद रहता है जिनको बाद में पी से पढ़कर याद नहीं रहती चीजें जिनको खुद की हैंड में चीज़ें याद रहती हैं तो वो प्रेफर कर सकते हैं लेकिन अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट नहीं हो कि जो अपने हैंड राइटिंग को देखकर याद करे चीज़ों को है ना तो फिर आपको जो पीडीएफ दी जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल ही रहती है एट द रेट के कार्ट पर सर्च करेंगे मिलेगा चैनल तो यही पीडीएफ एक प्रकार के नोट्स की तरह ही काम करती है लेकिन स्टिल कुछ लोग प्रेफर करते हैं नोट्स बनाना कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है दैट इज अप टू यू ओनली ठीक है हा हा ओके okay, सो so ये मेरे कोर्सेज हैं ये कोर्स है और ये वाला कोर्स है दोनों कोर्स में डिफरेंस जो है वो ये है कि एक में वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस क्विजेस है और एक में अकेला पीडीएफ और क्विजेज है तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज है मेरी बैंकिंग फाइनेंशियल की वीडियोस मिल जाती हैं करंट अफेयर के वीडियोस मिल जाते हैं वीकली सेशंस मिल जाते हैं इसमें वो पार्ट नहीं मिलता अभी फिलहाल इनमें टेन परसेंट ऑफ नहीं है सिक्सटीन परसेंट ऑफ है हमारे जितने भी लर्निंग नीति पे कोर्सेज हैं आज की डेट से लेकर आज पंद्रह तारीख है और सोलह तारीख कल रात तक यहाँ पर सभी कोर्सेज पे सिक्सटीन परसेंट ऑफ दे रखा है आपको ठीक है तो वो आप अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको वहाँ पर कोड मिल जाएगा जिससे आप सिक्सटीन डिस्काउंट अवेल कर सकते हो इन कोर्सेज पर भी आज की पहली न्यूज जो आई है वो पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस बिकम्स द द्रीन होम फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस ओके okay. सो so यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यहां पर आपका और वो नाम है पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस अब जैसा इसका नाम है हाउसिंग फाइनेंस इसका काम क्या होगा इसका काम होगा कि, कि ये यह यहाँ पर हाउसिंग लोन देता है आपको घर बनाने के लिए घर खरीदने के लिए घर को रेनोवेट करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लॉट के ऊपर उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो वो यहां पर आपको लोन की सुविधा दो दी जाती है ये पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस वन ऑफ द जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये सुविधा उपलब्ध कराता है इसका नाम जो था पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस था अब इसका नाम बदलकर यहां पर गृहम हाउसिंग फाइनेंस कर दिया गया है गृहम हाउसिंग फाइनेंस इसका नाम क्यों हुआ है इसलिए हुआ है यहां पर आपका कि ये यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया था टी कैपिटल एशिया वाला के द्वारा टी कैपिटल एशिया के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया था ठीक है और इसके बाद ये बदलाव हुए इसमें बहुत सारे और इनके द्वारा जब एक्वायर ही कर लिया गया तकरीबन 99.02 परसेंट हिस्सा जो है स्टेक जो है जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर परचेज कर लिए गए और उसके बाद इसका नाम बदलकर उन्होंने गृह हाउसिंग फाइनेंस रख दिया अगर मैं गृहम शब्द की बात करूं तो ये शब्द में ही अपने आप में एक अलग से सिग्निफिकेंस है गृहम जो शब्द है वो यहाँ पर गृह जिसको हम ग्रह बोल सकते हैं होम से बना है और दूसरा हम का मतलब है टुगेदरनेस, हम सब मिलकर एक साथ है ना तो वो चीज है यहां पर आपकी ये गृहम का मतलब यहां पर ये यह निकल कर आता है तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन जो बनेगा यही बनेगा कि हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन थी एनबीएफसी थी जिसका नाम पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है द राइट आंसर विल बी गृहम हाउसिंग फाइनेंस उसका नाम कर दिया गया है ठीक है कितना परसेंट स्टेक खरीदा है किसने खरीदा है ये भी पूछा जा सकता है TPG कैपिटल एशिया ने ये शेयर खरीदा है आ, जिसका शेयर हिस्सा है 99.02 परसेंट क्लियर है चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आई है इंटेलेक्ट एक कंपनी है चेन्नई की एक कंपनी है जिसने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ इंडियन बैंक के साथ और ये एग्रीमेंट 80 करोड़ रुपीज का एग्रीमेंट है पांच साल के लिए एग्रीमेंट चलेगा और इस एग्रीमेंट के तहत जो इंटेलेक्ट है Intellect नाम टेक्नोलॉजी को, कुछ कुछ like को और बेहतर करने के लिए बैंक की, की कस्टमर सर्विस को और बेहतर करने के लिए इंटलेक्ट नाम की कंपनी जो है उसने पांच साल की एक एग्रीमेंट किया है 80 करोड़ 80 करोड़ रुपीज का किसके साथ इंडियन बैंक के साथ इंडियन बैंक वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसी लिस्ट में यहाँ पर इंडियन बैंक भी आता है आई के एग्जाम के थ्रू आप इस इंडियन बैंक में ज्वाइन हो सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द योर प्रेफरेंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द योर मार्क्स कितना आपके मार्क्स आते हैं उसके ऊपर यहाँ पर बैंक्स की अलॉटमेंट होती है तो वही इंडियन बैंक जो है बेसिकली ये साउथ बेस्ड बैंक है आपका और इसमें यहाँ पर जो अब सुविधाएं दी जाएंगी सर्विसेज दी जाएंगी उनमें से वन ऑफ द सर्विस दैट इज द कैश मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है अब यहां पर यह डिप्लॉय क्या करेगा ई मैक डॉट ए आई पावर्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर डिप्लॉय करेगा और इंडियन बैंक का एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है इंड लीप करके इंड लीप प्रोजेक्ट करके इस प्रोजेक्ट के तहत वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं कस्टमर सर्विस को और बेहतर करने की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की बात कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर सर्विस है जो सप्लाई है उसको और बढ़िया किया जा सके सो इंड प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इंडियन बैंक का ही इसी के तहत तो उन्होंने एक इंटलेक्ट नाम की कंपनी के साथ एट्टी करोड़ रुपीज का टाइप यहाँ पर किया है ठीक है ओके okay. क्या पूछ रहे भाई कब आएगा तो बेटा आप ना नाम आपका मुझे समझ नहीं आ रहा नाम क्या लिखा है जो भी है आप जो क्रॉसवर्ड का पूछ रहे हो बेटा ऑलरेडी सही समय पर सही जगह पर क्रॉसवर्ड पीडीएफ ऑलरेडी दी जा चुकी है आप शायद दो महीने डिले आए हो क्लास में मतलब आप कहीं दो महीने पीछे चल रहे हो मुझे लगता है क्लासेस में आपने छोड़ दी होगी पढ़ाई है ना अब दोबारा से आपने पढ़ाई शुरू की इसलिए आपको पिछले दो महीने में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इस बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग एग्ज़ाम्स को लेकर जो टीचर्स को लेकर वो आपको शायद उससे आप वाकिफ़ नहीं हैं तो पहले थोड़ा सा जानकारी एकत्र कर ले और फिर बेटर रहेगा है ना क्लास में आना कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट बैंकिंग एग्जाम में है ना वो ज़रूरी है तभी एग्ज़ाम सिलेक्शन होता है ऐसे आकर हम कहेंगे तीन महीने बाद आएंगे और कहेंगे एक महीने बाद एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा नहीं होता वो चलिए कंटिन्यू करते हैं आ, मैं बात कर रहा था ये कैश मैनेजमेंट सर्विस और अदर टेक्नोलॉजी की देखिए अगर मैं अकेली कैश मैनेजमेंट सर्विस की ही बात करूँ शब्द है कैश मैनेजमेंट सर्विस अब कैश मैनेजमेंट सर्विस से आप क्या समझेंगे आप यही समझेंगे यार कहीं कैश डीलिंग होती होगी अच्छा कैश इधर से उधर मैनेज करते होंगे

ताकि उनको यहाँ पर बैंक में ज़्यादा होछपोछ ना लगे होछपोछ मतलब कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ मुकेश अम्बानी जी की फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुकेश अम्बानी जी की बात करो और क्या आप उनको देखेंगे कभी कि वो बैंक में गए हैं और अपना कैश निकलवाया उन्होंने कैश काउंटर पे खड़े होकर लाइन में हो सकता है ऐसा या फिर उनको मोबाइल नंबर चेंज कराना है वो बैंक में गए हैं ब्रांच में गए हैं मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो ये लो मेरी एप्लीकेशन सर आ, मुकेश अंबानी जी ने अकाउंट ओपन कराना है करंट अकाउंट है उनके साइन होंगे उनके रिलायंस इंडु, इंडस्ट्री कराना है वो बैंक में गए हों अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की मैं सामने खड़े हों लो मैं मुकेश अंबानी और साइन करूँ और मैंने ये नाम मुकेश अंबानी इसलिए लिया है ऐसे बहुत सारे नाम हैं और अकेले इन्हीं का नाम नहीं है और ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए मैं अगर बात करूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आमदनी मतलब जिसकी इनकम महीने की मान लीजिए दो तीन लाख रुपये मैं महीने की बात कर रहा हूँ ठीक है या फिर उसकी इनकम हो सकता है एक लाख रुपए भी हो महीने की कोई बड़ी बात नहीं है मैं उसकी बात कर लेता हूं तो अगर वो व्यक्ति जो एक लाख रुपए महीने का कमा रहा है बिजनेस है उसका अच्छा खासा लाख रुपए वो साल का बना रहा है बिजनेस है उस पर्सन ने अगर बैंक में अपना एक जो करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है वो ऐसा अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें वो मिनिमम बैलेंस जो प्रोवाइड कराता है वो बहुत ही हायर लेवल का प्रोवाइड कराता है इतना तो आप जानते हो बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग मिनिमम बैलेंस होते हैं लाइक द किसी प्रोडक्ट का पाँच सौ मिनिमम बैलेंस होता है कोई ऐसा बैंक में सेविंग अकाउंट होता है जिसका दस हज़ार रुपये सेविंग मिनिमम बैलेंस होता है कुछ ऐसे करंट अकाउंट होते हैं दो लाख रुपए मिनिमम बैलेंस होता है पांच लाख रुपए मिनिमम बैलेंस होता है तो आप एटलीस्ट दो लाख तीन लाख पांच लाख रुपए बैंक में मिनिमम अमाउंट जो है वो जमा करवा कर रख रहे हो और बैंक उतनी मिनिमम अमाउंट से परमानेंट ही यहाँ पर ब्याज अर्न कर रहा है ब्याज आपका पैसे को यूटिलाइज कर रहा है और यहाँ पर आपको पैसे को यूटिलाइज करके कर जो अर्निंग कर रहा है और उसमें तो कुछ पोर्शन आपको ब्याज के रूप में भी दे रहा है ठीक है तो एक प्रकार से आप बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर्स में आ जाते हो फिर चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे वो व्यक्ति हो जो एक लाख का जिसका महीने की आमदनी है उसने भी हो सकता है मिनिमम बैलेंस को पचास हजार वाला खुलवा रखा हो और हो सकता है जिसकी इनकम महीने की पचास हजार रुपये है उसने भी हो सकता है कि मिनिमम बैलेंस पचास हजार वाला अकाउंट खुलवा रखा हो कोई बड़ी बात थोड़ी ना तो जितना यहाँ पर जिस तरह का प्रोडक्ट होगा उसको उस तरह की सर्विसेज दी जाती है बैंक के द्वारा और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सर हाँ ये तो सर वो बातों की भेदभाव हो गया सर उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता हमें लाइन में लगना पड़ता है लाइन की बात नहीं है बेटा ये तो वही बात होगी तुम तो मूवी हॉल में गए एक तरफ तो टिकट है साढ़े तीन सौ पाँच सौ रुपये की टिकट है जहाँ पीछे तुम आराम से वो सोफे टाइप वाली सीट पे बैठते हो एक दो सौ रुपये की सीट है जिस पे तुम आगे नॉर्मल सीट पे बैठते हो अब तुम ऐसे करो ये तो भेदभाव है जी वो तो लोग तो सोफे पे के बैठे हम लोग इस सीट पर के बैठे उन्होंने पैसा ज़्यादा दिया है उन्होंने सर्विस के लिए पे किया है वो उस सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है तो अगर कोई आपको सर्विस के लिए पे कर रहा है ज़्यादा तो उसको आपको भी तो सर्विस देनी पड़ेगी उतनी तो वही चीज़ दी जाती है बैंक्स के द्वारा भी दिया जाता है बैंक्स के द्वारा अगर कोई कस्टमर नेटवर्क थी और उसको बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा है तो बैंक ऐसे वेलेबल कस्टमर को भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उनमें से एक सर्विस डोर स्टेप सर्विस है कि घर पे बैठे या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या फिर आप हमारा जो स्टाफ है वो आपके पास आ जाएगा भी तरह की कैश डिपॉजिट कराना है आपको बैंक में, में आके आपको आने की ज़रूरत नहीं है हमारा स्टाफ आ जाएगा आपको कैश विड्रॉ कराना है स्टाफ आ जाएगा आपको चेक ट्रांसफ़र करवाना है हमारा स्टाफ आ जाएगा इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को बहुत सारी मिलती हैं ठीक है सो दैट कम्स अंडर द कैश मैनेजमेंट सर्विस कैश मैनेजमेंट सर्विस एक सर्विस नहीं है ऐसी बहुत सारे सर्विसेज है अगर मैं लिस्ट करू कम से कम पंद्रह बीस पच्चीस सर्विस ऐसे निकल जाएंगे जो कैश मैनेजमेंट सर्विस में आती है जिनमें से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दिया है ठीक है सो आई होप सो क्लियर होगा कैश मैनेजमेंट सर्विस तो कैश मैनेजमेंट सर्विस के तहत यहां पर आपका इस चीज को बेहतर करने के लिए यानी कस्टमर सर्विस को और बेहतर करने के लिए यहां पर एक टाइप किया गया है आई होप सो की क्लियर है एकदम एक एक चीज है? ओके हाँ सर गम वो प्रोवाइड करा दो यार तुम लोगों ने कहा सुबह साढ़े सात क्लास कर दो अब तुम लोगों का अजीब भी फंड है यार है ना क्लास में आते नहीं हो आ जाया करो यार क्लास में जब तुम लोगों के कहने में मैंने साढ़े सात टाइम किया अब तुम साढ़े सात भी नहीं जाते देखने के लिए रिकॉर्डिंग ही देखते हो तुम लोगों की आदत बिगड़ी हुई है ना सबकी आदत बिगाड़ रखी है शाम को देखूंगा रात को व्यूज उतने ही होंगे लाइव नहीं आते तुम लोग देखने है ना बाद में आते हो बाद में आराम से सर आपकी बात तो सर टू एक्सपे सुनेंगे है ना तुम्हारा बस चले तो फोर स्पीड आ जाए ना यूट्यूब पर तुम फोर पे मेरी क्लास सुनने लग जाओगे मुझे तो ऐसा लग रहा है किस दिन ऐसा ना हो जाए कोई नहीं सर फोर एक्स पे सुन लेंगे है ना अभी देखना एक कमेंट आएगा नीचे रात को पढ़ना सर आपने बिल्कुल सही कहा सर टू एक्स पे भी आपकी स्पीड बहुत स्लो लगती है मैं तो रिकमेंड करूंगा फोर एक्स होनी चाहिए देखना रात को एक कमेंट पढ़ना तुम पक्का मिलेगा ऐसा कमेंट रग रग से वाकिफ हो तुम्हारे में है ना खून का रिश्ता ब्लड रिलेशन है ना ये कुछ रिसेंट एमओयू है बैंकिंग सेक्टर एस कार्ड एंड एन भारत भारत बिल पे के ठीक है ऑब्जेक्टिव है ये आपका साइन किया गया है मतलब ये पिछले दिनों में एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए थे आपस में तो पढ़ लीजिएगा आपके रिविजन के लिए ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं नाइन स्टेट्स एक्सीड नेशनल इन्फ्लेशन एवरेज इन नवंबर ओके सो so यहां पर आपका फिर बेटा वहीं पढ़ लो ना यहां क्या कर रहे हो <laughs> जहां आ गया फोर एक्स वहीं पढ़ लो अच्छी बात है ठीक है इन नवंबर नाइन स्टेट्स इन इंडिया पता नहीं समझ में क्या आता होता फोर एक्स में फोर एक्स में ऐसा कुछ चलता होगा <coughs> <coughs> कैसे चलता है दिखाएं डेमो दिखाए नाइन सिटी इंडिया एक्पीरियस ऑफ्फेड टू देशनल फॉर इंडियन कंज्यूमर रोज बाई फाइव पॉइंट फाइव परसेंट कंपेयर डू दि पीरियड लास्ट इयर स्टेट विदर इफ्लेन लाइट इन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट राजस्थान रेट ऑफ सेवन हरियाणा फोर एक्स पे ये चलता होगा बेचारा वीडियो भी थक जाएगी बोलते बोलते भाई सब स्लो कर ले कर ले स्लो मेरे मोबाइल में इतनी ताकत नहीं है इतने तेज़ बोलने की स्पीकर फट जाएगा स्पीकर की आंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी तुम्हारे फोर स्पीड से है न <laughs> टू एक्स ठीक है यार ठीक है मूवमेंट भी तो कितनी तेज़ होगी बंद इंसान देखो कैसे बोल रहा होगा वो भी हिल रहा होगा बेचारा देखते देखते डर जाएंगे ना पंडित वाले मंत्र नहीं नहीं पंडित जी वाले मंत्र के ऊपर बात नहीं करेंगे यार ऐसे तुम लोग दंगे कराओगे क्लास में मेरी है ना नहीं नहीं सॉरी ऐसे कोई गलत चीज़ नहीं बोलनी यार सॉरी है ना गलत बात है ओने सीरियस नोट गलत बात है है ना चलो नॉर्मल जिंदगी भी आती है नवंबर में नो स्टेट्स नाइन स्टेट्स इन इंडिया एक्सपीरियंसड हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज ओके इंडिया में अभी इन्फ्लेशन जो रहा पांच पॉइंट पांच परसेंट रहा ठीक है अभी फिलहाल पहले उसको पढ़ लेते हैं कंज्यूमर रोज कंज्यूमर प्राइसेस जो आए थे सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा है फाइव आया है नवंबर में जो कि पिछले बार अक्टूबर में फोर पॉइंट तो, तो बढ़ी है हमारी महंगाई बढ़ रही है ना वापस से आरबीएफ चिंतित छह से ऊपर ना चली जाए है ना और फूड प्राइस जो है वो 8.7 पॉइंट सेवन परसेंट हुए जो यहाँ पर सब्जियों के दाम खाने के दाम चीज़ों के दाम वेजिटेबल पल्स फ्रूट शुगर वगैरह वो बढ़े हैं ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन टू डेट फाइव पॉइंट एट एट परसेंट नवंबर दो हज़ार बाईस पिछले साल ये फाइव पॉइंट एट एट परसेंट था विद द फूड प्राइस इंडेक्स राइजिंग बाई दी फोर पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है तो ये फोर पॉइंट सेवन परसेंट फूड प्राइस इंडेक्स यहाँ पर राइज हुआ यहाँ पर ये यह वाला ठीक है ये वाला ये कंपैरिजन किया गया पिछले और इस साल का ठीक है अब यहां पर आते हैं और ये कह रहे हैं कि नवंबर में नो स्टेट्स जो हैं नाइन स्टेट्स जो हैं वो यहां पर जो एवरेज आई है हमारी 5.5% परसेंट उससे नो स्टेट्स का जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज्यादा है जिसमें ओडिशा का सबसे ज्यादा 7.65% है राजस्थान 7% है हरियाणा 7.8 पर बैठा है ठीक है उड़ीसा राजस्थान हरियाणा ये तीन राज्यों में यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिली है वहां के लोकल लेवल पर यहाँ पर जो आइटम्स के दाम है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन ये मत पूछना कि सर कैसे सर कैसे हो सकता है उड़ीसा राजस्थान हरियाणा में या किसी स्टेट में दाम अलग अलग हो तो ऑब्वियस है यार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है है ना लाइक द मेरा जो शहर है श्रीगंगानगर राजस्थान बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर है ठीक है पाकिस्तान के बॉर्डर पर है यहाँ पर आपका राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पेट्रोल का दाम अब मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल भरवाया कब था मुझे याद नहीं नहीं है ना कब भरवाया भरवाया था पता होगा मुझे याद नहीं कोई का एरिया का होगा बताना है ना शायद एक सौ दस है जो भी है सो एक सौ दस है मुझे याद ही नहीं है कितना पेट्रोल है है ना अब यहीं पर ही क्या है यहाँ पर आप और आप कहीं पर सदन साइड में चले जाओगे ना लाइक दी आप गोवा में चले जाओ गोवा में आपको पेट्रोल और यहाँ के पेट्रोल रेट में बीस रुपए का फर्क दिख जाएगा ट्रांसपोर्टेशन पहले दो चीज़ें होती हैं इसमें इफेक्ट होता है एक तो ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट पड़ता है दूसरा टैक्सेस का इफेक्ट पड़ता है कि कुछ स्टेट्स में यहाँ पर बेसिकली वैसे इंडिया में पूरा ए वन नेशन वन टैक्स लागू है जीएसटी लागू है लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट है लाइक द पेट्रोल ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे सेगमेंट है जिसमें आज की डेट में जीएसटी लागू नहीं होता स्टेट अपना खुद का जो टैक्स है वो यहाँ पर वसूल करती है वैट वगैरह ठीक है तो स्टेट के उस हिसाब से भी वो टैक्सेस किसी स्टेट में कम है किसी स्टेट में ज्यादा उस वजह से लेकिन एक और फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लीजिए अब जहां से ऑयल आ रहा है उसके नजदीक ही अब वो जहां पर रिफाइनरी वगैरह क्रूड वगैरह या फिर इंपोर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है उस जगह पे यहां पर ट्रांसपोर्टेशन काहे की लगेगी कम लगेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और यहां पर आते आते वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी तो ये बड़ा एक रीजन रहता है आपका अलग अलग स्टेट्स में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में प्राइसिंग ज्यादा क्यों है कहीं स्टेट्स में बहुत कम है कहीं स्टेट्स में ज्यादा है तो एवरेज फाइव पॉइंट बढ़ता है ठीक है ओके कितना मेरे एरिया में भाई ये कह रही है पॉइंट पच्चीस वाला बताओ हूँ बताते हैं तुम्हें स्पेशल तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे और बताओ और कोई फरमाइश है पॉइंट पच्चीस वाले कितना एक सौ सात है क्या एक सौ सात है अपने एरिया में पता नहीं अरे यार एक्चुअली क्या यहाँ से ना दो किलोमीटर दूर पंजाब है हमारे यहाँ से तो वहाँ जाके भरवा लेते हैं वहाँ दस पंद्रह रुपये सस्ता पड़ता है तो इसलिए यहाँ के रेट का पता नहीं है निकल जाते लॉन्ग ड्राइव है ना निकल जो के भरवाए दो किलोमीटर में क्या ही पता लगता है दो तीन किलोमीटर पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया पेट्रोल भरा के वापस आ गए हैं इसलिए यहाँ के रेट का थोड़ा आइडिया नहीं है आगे चलते हैं लोकसभा अप्रूव्स एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 58,378 करोड़ इन करंट फिस्कल ओके So, यहां पर आपका फिफ्टी करोड़ जो है वो एडिशनल स्पेंडिंग जो है लोकसभा में अप्रूव की गई है इस पर्टिकुलर फिजकल के लिए फिस्कल का मतलब है फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल 2023 से शुरू होता है और एंड होगा 31 मार्च 2024 को तो इस फिस्कल ईयर इस फाइनेंशियल ईयर के पीरियड के दौरान जो है वो जो हमारा बजट अलॉट करते हैं ना बजट आता है उसमें अलॉटमेंट करते हैं कि इतना खर्चा होगा ये होगा वो होगा इतना रिवेन्यू होगा तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार ने कुछ एडिशनल स्पेंडिंग को अप्रूव करवा लिया है कुछ एडिशनल स्पेंडिंग की जाएगी अमाउंटिंग टू रुपीज फिफ्टी करोड़ रुपीज की इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के दौरान ठीक है जो कि मार्च 2024 में एंड हो रहा है जो एडिशनल फंडिंग है उसमें यहां पर 13,351 करोड़ जो है वो यहां पर फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ही है बहुत बड़ा मेजर पोर्शन फिफ्टी एट का मेजोरिटी पोर्शन जो है वो फर्टिलाइजर्स के लिए है इसके अलावा 7,000 थाउजेंड करोड़ रुपीज जो दिया जा रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिया जा रहा है फूड सिक्योरिटी मेजर्स के लिए तो अब देख पा रहे हैं क्या हो रहा है फर्टिलाइजर सब्सिडी फार्मर्स ऑब्वियस ठीक है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो आई है उसको आगे एक्सपेंड किया गया था ना है ना तो वही अब पैसा तो चाहिए किसानों को दिखा देने के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए और फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर किया गया है अब एक और चीज़ है ऑब्वियस है अभी चुनाव है अगले साल भी चुनाव है हमारे देश में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस बार जो होने वाली हैं ठीक है और उनमें से एक चीज़ ये भी आ गई है है ना हमारा जो बैंक का सेटलमेंट है वो भी आ, इस बार इतनी जल्दी रिकॉर्ड लेवल पे हुआ है अभी इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन मतलब फाइनलाइज हो चुका है ठीक है तो वो भी हुआ है लेकिन बस फर्क इतना है कि इस बार जो बजट आएगा वो फुल बजट नहीं आता जब भी इलेक्शन होने वाले थे जिस पीरियड के दौरान तो उस सीजन में यहाँ पर जो बजट आता है एक बार अंतरिम बजट आ जाता है इंटरम बजट आता है फॉर द टाइमिंग सरकार जब तक चलेगी थोड़े समय के लिए दिया जाता है कुछ घोषणाएं नहीं की जा सकती उस दौरान यहाँ पर कुछ स्कीम्स नहीं लाई जा सकती लेकिन हाँ जब सरकार बन जाती है उसके बाद फिर फुल बजट उस दौरान का उस पीरियड का आ जाता है तो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें अभी अप्रूव की जा रही हैं ताकि ज्यादा बोझ अगले साल के लिए एकदम से ना पड़े तो उसमें से फिफ्टी करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं जिसमें से मेजोरिटी पोर्शन जो है थर्टीन करोड़ जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए दिए गए सेवन थाउजेंड करोड़ जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है ठीक है द एंटायर दरिकल ईयर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था फिजिकल डेफिशिट ऑफ सेवेंटीन पॉइंट एट सिक्स लैक करोड़ इक्वल एन टू फाइव पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ जी डी पी ये बजट में दिया गया होगा पक्की बात है बजट में डाटा आया था फिजिकल डेफिशिट फिजिकल डेफिशिट क्या होता है कि मैं खर्चा कर रहा हूं ज्यादा और मेरी इनकम है कम मेरी खर्चा ज़्यादा है और मेरी इनकम है कम तो खर्चा ज़्यादा इनकम कम को हम फिजिकल डेफिशिट या फिर डेफिशिट कह सकते हैं इसको हम फिजिकल डेफिशिट कहते हैं और वो अमाउंटिंग टू रुपीज सेवनटीन पॉइंट करोड़ का प्रोजेक्शन था अब खर्चा ज़्यादा आय कम कैसे हो सकती है आप कहीं से उधारी ले लो है ना वही बात है कि भाई साहब आपके जेब में पॉकेट मनी है पचास रुपये आप गर्लफ्रेंड को ले गए स्टारबक्स में कॉफ़ी पिलाने है ना तो वहाँ की कॉफ़ी आपने चार सौ रुपये की पाँच सौ रुपये आप चा, चार साढ़े चार सौ रुपये कहाँ से लाओगे दोस्त से उधार लोगे किसी से हाँ दे दे यार मेरे को दे दे मैं तेरे को पाँच दिन में दस दिन में पाँच महीने में मतलब वो बोलता पाँच दिन है लेकिन उसके अंदर मन में होता है दोस्त ऐसे बोल रहा मैं तुम्हें अरे अरे भाई टेंशन ले रहा है मैं पाँच दिन में चुकाता हूँ ना तेरे को पैसा अंदर अंदर कोई नहीं एक बार दे तो सही पाँच दिन छोड़ पाँच महीने तक तेरे को चक्कर नहीं कटवाए तो मेरा नाम भी नहीं, 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 नहीं। है ना तो वही बात है यहाँ पर आपकी कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया भारतीय सरकार जो इतने सालों से हमारे देश में चला आ रहा है फिजिकल डेफिशेट ही हो रहा है हम उधार उधार ले लेते ले हैं ले दूसरे एडीबी वगैरह वर्ल्ड बैंक वगैरह से है ना तो उस बेस पर हम कर रहे हैं काम तो आगे उधार का चक्कर उधार का चक्कर बाबू भैया तो वो चलता आ रहा है चलता आ रहा है और वो जीडीपी का पांच दशमलव नौ प्रतिशत यहां पर रह जाता है एवरी ईयर कुछ ना कुछ ये फिगर देखने को मिलता ही है ठीक है ओके okay. सर आज तक नहीं पिए सर स्टारबक्स में कॉफी घर की कॉफी खुद के द्वारा गई कॉफी बहुत बेहतर होती है ऐसी कॉफी से है ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप नौकरी पर जा रहे होंगे नौकरी जा कर रहे होंगे और एक दिन छुट्टी होगी शनिवार का वक्त या इतवार का वक्त होगा वो और उस दिन आप कहीं सुबह उठ जाओगे जल्दी नींद खुल जाएगी और बाहर जब आप जाओगे अपने घर से बालकनी में या घर की खिड़की खोलोगे या घर का दरवाज़ा खोलोगे तो एक बड़ी ही ठंडी महकती हुई हवा आ चल रही होगी बड़ी अलग खुशबू होगी उस हवा में और आपका मन करेगा आ जा बेटा आज ना यहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं आ जा बेटा आज यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और वो कॉफ़ी जो तुम अपने हाथों से चाय तुम जो अपने हाथों से बनाओगे ना और वहाँ पर बैठ कर आराम से हवा को महसूस करते हुए जो ठंडी ठंडी हवा और एक खुशबू एक अलग महक हवा में जो सुबह सुबह की महसूस करोगे ना और एकदम गरम-गरम कॉफ़ी चाय और सुकून किस बात का नौकरी का सुकून एक उस बात का सुकून कि हाँ मैंने जो ज़िंदगी थी जो एक स्ट्रगल की ज़िंदगी थी उसको पीछे छोड़ा वो सब बातें उस वक्त याद आएंगी, और जब वो याद आएंगी, उस ठंडी ठंडी हवा के साथ और उस कॉफ़ी के साथ और उस चाय के साथ उस वक्त की जो कॉफ़ी और चाय होगी ना वो कहीं लाख दर्जे अच्छी होगी स्टारबक्स या फिर ऐसी कई कंपनीज की कॉफी से याद रखना ये बात ज़रूर फील करोगे और ये चीज़ फीलिंग जो है ना वो एक बार नहीं दस बार पंद्रह बार बीस बार 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 आपको महसूस कराती रहेगी और आज के दिनों की याद कराती रहेगी और पिछले आज के दिनों को याद करके तुम हंसोगे कई बार रोगे भी और लगेगा कि कई बार ऐसा भी लगेगा यार वो ज़िंदगी अच्छी थी उस वक्त एक अलग एहसास था माता पिता के नज़दीक थे अभी माता पिता के थोड़े दूर हैं ऑब्वियस है, है बैंक में ट्रांसफर्स आर दी पार्ट एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लाइफ एंड दी जॉब वो भी होगा है ना कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं कुछ चीज़ें बुरी होती हैं लेकिन वक्त जो होगा बहुत अच्छा होगा उस वक्त को बहुत अच्छे से जीना उस वक्त को बहुत अच्छे से महसूस करना और बाकी तो क्या बोलो है ना चलो आ जाओ पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भगवंत मान सरकार तो द्वार ओके भगवंत मान सरकार तो द्वार जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है आपकी पंजाब सरकार के द्वारा एंड ओके uh, okay. सो so 43 थ्री यहाँ पर आपकी आ, कुछ ऐसी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी पंजाब सरकार के द्वारा सर्विसेज लाइक दी बर्थ मैरिज सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह इस तरह के सर्टिफिकेट्स बहुत सारे बनाए जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आप जाते हो वहाँ पर जाके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में और आपको वो सर्विसेज मुहैया करवाई जाती तो भगवंत मान सरकार भगवंत मान वहाँ के पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और ये द्वार, द्वार मतलब कि आपके द्वारे द्वार पंजाबी शब्द है यहाँ पर इसका मतलब होता है आपके द्वार पे आपके घर पे आपके दर पर आपके दरवाजे पर द्वार का मतलब दरवाज़ा है ना आपके द्वार हड्डे द्वार आपके द्वार, द्वार, द्वार यहाँ पर हम आकर आपको डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तकरीबन फोर्टी थ्री ऐसे सर्विसेज जो आपके घर पर आकर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और ये 43 सर्विसेज जो है वो आपको जस्ट 1076 हेल्पलाइन नंबर वो दी गई है उस पर आपको करना है और एक सौ पर सर्विस के आपको देने हैं और अपॉइंटमेंट बुकिंग टाइम इज 9 ए एम टू 5 पी एम और सेवन डेज अ वीक ठीक है तो ये आपको यहाँ पर सात दिन हफ्ते में यहाँ पर आपको मिलेगा नाइन ए एम टू फाइव पी एम एक सौ बीस रुपये एक सर्विस के आपको देने हैं प्लस कुछ चार्जेस और रहेंगे ठीक है तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन भगवंत मान सरकार आपके थोड़े द्वार पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च की कितनी सर्विसेज दी जाएंगी फोर्टी थ्री सर्विसेज दी जाएंगे इसके तहत 1076 हेल्पलाइन है और पैसे कितने चार्ज किए जाएंगे 120 सौ पर सर्विस गवर्नमेंट फीस एंड दैसिलिशन चार्जेस दिए जाएंगे ठीक है ओके okay? एक सपोर्ट नंबर नहीं है एक मेल आईडी है इंक्वायरी डॉट लर्निंग नीति उस पर आप मेल कर सकते हो ठीक है इंक्वायरी डॉट लर्निंग नीति ठीक है इस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा थोड़ा सा एक आधो दिन डिले हो सकता है बट मिल जाएगा राइट्स uh, लिमिटेड जिसको हम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड कहते थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मोजिक पोर्ट्स एंड रेलवेज मोजम्बिक पोर्ट्स एंड रेलवेज के साथ यहां पर राइट्स लिमिटेड ने यहां पर जो है एक टाइप किया है मोजम्बिक पोर्ट्स एंड रेलवे के साथ राइट्स लिमिटेड ने यहाँ पर टाई अप किया है इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है और इसके तहत क्या किया जाएगा कि इसके तहत दस डीजल लोकोमोटिव यहां पर ट्रांसफर किए जा, जाए सप्लाई किए जाएंगे डीजल लोकोमोटिव जो इंजन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम दस ऐसे डीजल इंजन जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे सप्लाई किए जाएंगे आपके मोजम्बिक को ठीक है मोजम्बिक को यहां पर दस डीजल लोकोमोटिव ट्रांसफर किए जाने राइट्स नहीं है आपका एग्रीमेंट साइन किया मोजम्बिक पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो थर्टी मिलियन रहेगी ये इतनी वैल्यूशन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर रहेगा राइट्स लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट यहां पर साइन किया है राइट right? ठीक है डॉक्टर तो अतुल शाह uh, so, शा हैं इनको यहां पर ऑनर किया गया दो रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सो so, ये अवार्ड इनको दिया गया है 2023 का रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड फॉर इज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर थ्री डिकेट्स एगो डॉक्टर शाह डिवाइज अ सिंपल सर्जरी टेक्निक उन्होंने एक लेप्रोसी के लिए यहाँ पर एक टेक्निक एक खुद सेल्फ किट यहाँ पर डिजाइन की थी जो कि यहाँ पर फुट में जो अल्सर होता है उसको यहाँ पर आपका क्योर uh, करने के लिए सेल्फ केयर किट थी जो कि लेप्रोसी पेशेंट के लिए मैनेजिंग द फुट दुटअर्स जो एक कॉमन इश्यू है उस चीज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा किया गया था बनाया गया था और इसको आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे इनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं तकरीबन एट्टी इंडिविजुअल्स को यहाँ पर ये फायदा हो रहा है दो हजार सात से यहाँ पर इस लेप्रोसी नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ठीक है तो ये यहाँ पर आपका डॉक्टर शाह जी को अतुल शाह जी को इसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया इनकी इस किट के लिए जो इन्होंने बनाई थी यहाँ पर आपकी उम्मीद करता हूँ न्यूज समझ में आ गई नाम याद रख लेना इसमें अतुल शाह जी क्या इनको अवार्ड दिया गया द रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड वन इन फोर लैसो ये अवार्ड दिया गया है दो हजार सात से यहां पर ये यह सेल्फ केयर किट इन्होंने डिजाइन की है एट्टी थाउजेंड इंडिविजुअल्स को बेनिफिट इसका मिला है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं जवेद अख्तर को मिला है आपका रिसीव दी पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल ओके okay, सो so, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जिसको हम पहले एक अलग नाम से जानते थे फॉर्मली नोन एज औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसको कहाते थे उसके बाद इसका नाम अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल हो गया और ये यहाँ पर आ, आ, किया जाता है एनुअल इवेंट जो कि नाथ ग्रुप यशवंतराव चौहान सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इस इवेंट पे यहाँ पर आपका आ, जो जावेद अख्तर जी हैं जानते होंगे जावेद अख्तर जी को काफी बार इनको आपने टीवी में किसी न किसी रियलिटी शो में वगैरह देखा होगा लिरिसिस्ट हैं गाने वगैरह लिखे हैं इन्होंने बहुत उम्दा उम्दा गाने लिखे हैं हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और उन्हीं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है आपका किस अवार्ड से पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में उनके जंजीर दीवार शोले डोन काला पत्थर मिस्टर इंडिया इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने किरदार जो है गाने जो है वहाँ पर उस मूवीज़ के लिए लिखे और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं लेटेस्ट भी बहुत सारी मूवीज़ हैं इनको दो लाख रुपये दिया जाएगा कैश प्राइज़ के फॉर्म में यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा तो ये जावेद अख्तर जी को प्रेजेंट किया जाएगा ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ठीक है ये फेस्टिवल के बारे में कुछ और लिखा हो कि फेस्टिवल में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं फेस्टिवल एक फिल्म फेस्टिवल है जिसमें शोकेस किया जाता है फिल्म्स को मूवीज को वगैरह वगैरह ठीक है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं ओके okay, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसे मैंने आपको बताया था लर्निंग नीति के जितने भी कोर्सेज हैं चाहे वो हमारा एनुअल कॉम्बो कोर्स है चाहे मेरे इंडिविजुअल कोर्स है हर्षल सर के स्मृति मैम के इंडिविजुअल कोर्स है मेरा क्रॉसवर्ड पैकेज है मेरे कोर्सेज हैं और फिर मॉक टेस्ट है उन सब पे सिक्सटीन डिस्काउंट चल रहा है कोड लगाना है वॉर सिक्सटीन ठीक है वैलिड है सिक्सटीन दिसंबर मिड तक यानी कल रात तक सैटरडे तक और चलो मुझे बताओ वैसे शायद आपको अब तक पता लग गया होगा कि वॉर 16 के पीछे क्या उद्देश्य है 16 परसेंट डिस्काउंट सर 15 रखते हैं बीस रखते हैं इक्कीस रखते हैं बाईस रखते हैं पच्चीस रखते हैं मतलब पच्चीस रखते हैं तीस रखते हैं पैंतीस रखते सिक्सनी परसेंट का क्या फंडा है और ये वॉर का क्या फंडा है थोड़ा बताओगे ज्ञानी लोग है ना बताओ मुझे ज्ञान दो कि मैंने सोलह दिसंबर सोलह परसेंट और वोर सिक्सटीन क्यों रखा है ठीक है चलो बताओ ये ध्यान रखना अगर किसी को अवेल करना हो GIB कोर्स के कोर्स के पर भी अवेलेबल रह जाएगा नहीं तो उस पे तो अभी जीआईबीटेंट था अभी साथ -साथ हाँ कुछ ऐसे हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है किस अवार्ड से 2023 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन दिवाली पावर ऑफ वन क्या दे रहे हो बांग्लादेश लिबरेशन विजय दिवस सोलह सर का बर्थडे ना बेटा मेरा बर्थडे आठ मई को आता है ना रेड क्रॉस डे एक बार एग्जाम में भी पूछा था कि रेड क्रॉस डे कौन सा दिन होता है तो एट जिन जो कि जो मेरे जनरल स्टूडेंट थे उन्होंने गलत नहीं किया था कि उनको पता था हमेशा बोलता रेड क्रॉस डे कपिल सर का बर्थडे है ना बिल्कुल 16 दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर बिल्कुल विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है पाकिस्तान को जंग में हराया था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था हमने इंडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी काफी लोगों ने उसमें जिसमें से एक हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल जो थे सैम अनेक्शा जी उनके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी भी बनी है है ना तो वो काफ़ी एक हीरो रहे थे उस बांग्लादेश वॉर के है ना बानकी मून जो है एलोंग थ्री अदर डिप्लोमेट्स ऑनर किया गया है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स दिस प्रेस्टिजियस सेरेमनी ऑफर हेल्ड एज दी ओस्कर ऑफ डिप्लोमेसी इसको ओस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है पूरी पूरी दुनिया को एक सिक्योर वर्ल्ड बनाने में पीसफुल वर्ल्ड बनाने में यहाँ पर शांति वगैरह स्टेब्लिश करने में और इसी में पूर्व यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम है बान की मून इनको यहाँ पर ये ऑनर दिया गया बान की मून ऑफ माई गॉड

किम सुख एंड दिरोव लेज कैक ओके सो इनको अदर पर्सनैलिटीज इनको ये सम्मान दिया गया है

प्रेजेंट यू के सेक्रेटरी जनरल कौन है म्यांमार ने सरपास किया है अफगानिस्तान को एट वर्ल्ड लीडिंग ओ सोर्स इन 2023 यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत यहाँ पर जो ओ है जो अफीम है वो बेसिकली अफगानिस्तान में जब भी अफीम का नाम आता है तो अफगानिस्तान का नाम सामने आता था लेकिन फिलहाल यहाँ पर अफीम की जो खेती है उसमें यहाँ पर म्यांमार ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि म्यांमार में फिलहाल इतनी ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन ख़राब थी कि लोगों के पास कुछ भी यहाँ पर कमाने के लिए अर्निंग के लिए नहीं था वहाँ की जो ज़मीन थी वहाँ की जो कैपेसिटी थी है ना ज़मीन की मतलब एग्रीकल्चर की वो वाली वो खेती वेती मिट्टी जो थी वो ओ की खेती के लायक थी तो ओ पी वहाँ पर लोगों ने आ, ग्रो करना शुरू कर दिया और इतना ओपीएम आज की डेट में वहाँ पर ग्रो हो रहा है कि उसने अफगानिस्तान की जो प्रोडक्शन है उसको पीछे छोड़ दिया और अफगानिस्तान में प्रोडक्शन बेसिकली गिर गई क्यों गिर गई क्योंकि तालिबान के आने के बाद तालिबान ने जब बैन किया इसको वहां पर ओ को तो उसके बाद यहां पर गिरावट देखने को मिली और इधर म्यांमार में वो खेती यहां पर बढ़ी तो इसलिए अफगानिस्तान को पीछे छोड़ता हुआ म्यंमार ओपीएम की खेती में यहाँ पर म्यंमारिमर्ज दैट वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओ इन एम टू थाउंड अफगानिस्तान अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन ये शिफ्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर म्यांमार के सिविल वॉर जो इंटरनल वहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं म्यांमार में उसकी वजह से लोगों ने वहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह ज्यादा करनी शुरू कर दी क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा बचा नहीं है है ना ज्यादा कुछ है ना और अफगानिस्तान में यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रिजल्टिंग फॉर मिनिमा 2021 काउप काउप मतलब तख्तापलट प्रमोटेड इंडिविजुअल्स टू टर्न टू पोपी फार्मिंग एज एन अल्टरनेटिव लिविंग पोपी उसी को कहते हैं जो खेत खेती होती है ना पोपी की खेती होती है उससे ओपियम निकलता है फॉलोइंग द तालिबान बैन ऑन ड्रग्स इन 2022 ओपियम कल्टीवेशन अफगानिस्तान जो है वो कम हो गई थी जिसकी वजह से सारा का सारा शिफ्ट यहाँ पर म्यांमार में चला गया तो दैट वाज द रीजन क्यों हुआ था और फिलहाल जो सरपास किया वो म्यांमार ने सरपास किया है आपका किसको सरपास किया है हाँ। किसको सरपास किया है वर्ल्ड लीडिंग ओपियम सोर्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनग्रेट किया सेकंड एडिशन ऑफ इफ्स का इन्फिनिटी फॉरम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनग्रेट किया है एंड एड्रेस किया द सेकंड एडिशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फ्लैगशिप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट हेल्ड एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है और ये इवेंट यहाँ पर इन्फिनिटी फॉरम टू नाम से इवेंट हो रहा है इन्फिनिटी फॉरम 2.0 के नाम से यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है इंटरनेशनल इफ्सका इफ्सका का IFSKA का यहां पर आपका जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है यहाँ पर आपका इनफिनिटी फॉरम 2.0 पॉइंट कहां पर हो रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है पहला एडिशन जो दिसंबर 2021 में हुआ था अभी सेकेंड एडिशन यहाँ पर आपका एक प्री इवेंट है प्री मतलब होता है कि किसी इवेंट से पहले होने वाला कोई इवेंट कि उस पहले इवेंट के ऊपर निर्भर करता है अगला इवेंट ठीक है तो ये इवेंट वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो 2024 की होने वाली है उससे पहले का का ये ये एक इवेंट इवेंट है है यहां पर आपका और इंफिनिटी फोरम 2.0 अंडर एजिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गिफ्ट सिटी ओके सो इफ्स का जो है वो काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गिफ्ट सिटी के अंडर यहां पर आपका थीम है इस इवेंट की गिफ्ट आई एफ नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस इस थीम के तहत यहां पर यह आपका सामने देखने को मिला है इसी मौके पर एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है जो इफ्सका का अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है जो कि के तहत काम करता है तो इफ्सका का एक एग्रीमेंट अहमदाबाद की इस यूनिवर्सिटी के साथ भी टाइप हुआ है और एस के साथ भी टाइप हुआ है इसी मौके पर एक एमओयू एक्सचेंज हुआ है यह अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है इफ्सा का अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

जीके का कोर्स कहां से बेटा स्टैटिक जीके का अलग से नहीं करना होता जो मैं क्लास में बताता रहता हूँ ना जैसे ये मैंने लिख दिया ये मेन मेनमार्क स्टैटिक है ना बस यही याद करना है इसके अलावा आपको कुछ अलग से याद नहीं करने की जरूरत ठीक है यही स्ट्रेटिक है जो आपके एग्जाम में आता है कहा लड़ रहे हो यार

इसने यहां पर आपका एक आ, इसको लॉन्च किया गया बेसिकली गपाई समिट जो आपकी है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है ना इसके बारे में हमने दो तीन दिन पहले बात भी की थी इस समिट के बारे में ठीक है वही समिट पर यहां पर आपका एक यू वाई यू वाई क्या है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई उन्नति एंड विकास विद ए जो है यूवाई करके ये यहां पर आपका इसको लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देने के लिए अच्छे से उसको प्रमोट करने के लिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली उसी पर ऊपर फोकस किया गया ये जो यू ए जो है टूल है यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम है जो कि ए स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करेगा कुछ नई इनोवेटिव अप्रोचेस बताएगा यहाँ पर और ये क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास के स्कूल स्टूडेंट्स की मदद करेगा ये प्रोग्राम ठीक है पढ़ सकते हो इसको दैट इज अनिशियव एम डैट फोस्टिंग ऑफ ए आई अमंग स्कूल क्लास एट टू प्रोग्राम प्राइमरी गोल इज टू स्टूडेंट्स विदेंशियल ए AI स्किल्स उनको और ज्यादा अच्छे से समझाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो यही यू ए आई जो है यू ए आई जो है उनकी मदद करेगा क्लास एट से ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को पूरा नाम इसका याद रख लेना फुल नेम क्या है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे पहले तो पूरा नाम इसका याद रख लेना ठीक है दूसरा कहाँ पर लॉन्च किया गया वो याद रख लेना तीसरा कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मदद करने वाला है क्लास एट टू ट्वेल्थ क्लास एट टू ट्वेल्थ के बच्चों को यहां पर ये मदद करेगा ठीक है ओके चलो चाइना एंड इजिप्ट ज्वाइंटली लॉन्च सैटेलाइट मिस आरसेट टू ओके सो चाइना और इजिप्ट ने दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की है द नेम इज गिवेन एट द मिस आर सेट टू सेट सैटेलाइट है ना मिस्र मिस्र है मिस्र सेट इजिप्ट को हम मिस्र कहते हैं मालूम होगा शायद आपको है ना एक शब्द है मिस्र के नाम से इजिप्ट को जाना जाता है तो वही मिस्र सेट सेट का मतलब सेटेलाइट दोनों ने मिलकर यहां पर सेटेलाइट लॉन्च की है और यहां पर ये इजिप्ट जो है ऐसा करने वाला एक पहला अफ्रीकन नेशन बना है जिसने अपनी यहां पर एक सेटेलाइट लॉन्च की है ऑब्वियस मिलकर लॉन्च किया चाइना के साथ क्योंकि उसके खुद की स्पेस एजेंसी तो है नहीं इजिप्ट की कि वो यहाँ पर भेज सकें तो चाइना को यहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट अपनी भेजी और वो स्पेस में क्यों ऐसा करने वाली वो पहली अफ्रीकन कंट्री यहाँ पर बना है इसलिए न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चाइना एंड अचीव्ड अचीव सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन देर कोलेबरेटिव एफर्ट्स मिस्र टू सेटेलाइट डेल्व एंड असेंबल्ड ज्वाइंटली बाई द टू नेशन दिस मार्क्स पाइविटल मूवमेंट इन दियर स्पेस पार्टनरशिप दोनों मिलकर स्पेस पार्टनरशिप में आए हैं और ये कहां से की गई है लॉन्च सेंटर जो कि चाइना में है लॉन्ग मार्च टू सी रॉकेट से यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया इस लोकेशन से लॉन्च किया गया है क्या लॉन्च किया मिस्र सेट टू एग्जाम में ये आएगा मिस्र सेट टू कौन से देश की सेटेलाइट है जो कि चाइना ने यहाँ पर लॉन्च की है राइट आंसर अवेलेबल इजिप्ट या फिर ये पूछ लगा इजिप्ट ने जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है सेटेलाइट का या फिर लोकेशन पूछ लेंगे कौन से रॉकेट से गई है इस तरह का कुछ स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है तो ये आपकी न्यूज आती हुई इसमें टोटल खर्चा सेवेंटी टू बिलियन डॉलर आया मिलियन डॉलर आया दो हजार उन्नीस में एक एग्रीमेंट किया था यहाँ पर इजिप्शियन स्पेस एजेंसी और चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ठीक है ओके दोनों ने यहां पर किया और मिलकर ये की जाप्ट का स्टैटिक फैक्ट हो गया ठीक है इजिप्ट का है बहुत सुंदर राइटिंग है है ना किसको समझ आ रहा है इजिप्ट लिखा है शायद मैं दोबारा पढ़ूंगा मुझे भी ना आया समझ वाई कहा गया चाइना से एक और खबर आती हुई यहां पर आपका चाइना ने यहां पर दुनिया का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मिथेन पावर्ड लॉन्च विकल्प जूक्यू टू वाई थ्री लॉन्च किया है नॉर्मली हम यहाँ पर जो फ्यूल के रूप में मोस्टली लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है जो के लिए यहाँ पर आपका लेकिन इस बार उस लिक्विड हाइड्रोजन की जगह पर आपका किसका इस्तेमाल इस्तेमाल किया किया गया किया गया लिक्विड ऑक्सीजन का है यहाँ पर रॉकेट को भेजने के लिए और ये यहाँ पर काफी अफिशियंट फ्यूल माना जा रहा है और ऐसा करने वाला यहाँ पर जो है चाइना पहला देश बना है इस तरह की चीव को कर अचीव करने वाला और ये कंपनी है लैंडस्केप टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जिन्होंने जू क्यू टू वाई थ्री को लॉन्च किया दुनिया पहला लिक्विड ऑक्सीजन मिथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल जो तीन सेटेलाइट लेकर गया और यह भी यहां पर जीकुन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जहां पर चाइना में है वहां से किया गया ये भी वही है देखो ये भी वही है यही लॉन्च सेंटर है और ये भी वही सेंटर है इसके साथ लैंडस्केप बना दुनिया की पहली कंपनी जिसने सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया है यूजिंग अ रॉकेट जो कि मिथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से बना है फ्यूल आपका यहाँ पर तीन सैटेलाइट जो थी होंग्यू सैटेलाइट तिनाई तैतीस सेटेलाइट होंग्यू टू सैटेलाइट ये यहाँ पर तीन सैटेलाइट लॉन्च किए याद होता है तो ठीक है नाम नहीं होते तो कोई बात नहीं ठीक है तो ये यहाँ पर आपका फिलहाल ये वाला याद रखना है पोर्शन किसने किया है? चाइना ने किया है कौन सी नाम याद रखना टू वाई ये नाम है। लॉन्च व्हीकल का जो लॉन्च किया गया है लिक्विड ऑक्सीजन मिथेन का कॉम्बिनेशन है यहां पर आपका और लिक्विड हाइड्रोजन को यहां पर नहीं इस्तेमाल किया गया बुक टाइटल नए भारत की संवेदा ओथर्ड बा मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा पूर्व प्रेसिडेंट जी के द्वारा यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्पीचेस दी गई हमारे देश के संविधान के ऊपर उससे संबंधित यहां पर आपका एक बुक को लॉन्च किया गया है नए भारत की संवेदा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे चौदह दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, है ना चौदह दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ठीक है ओके okay, सो so आज साढ़े बारह बजे एक दो चीज़ें ज़रूर सुन के जाना प्रमोशन के अलावा भी है इम्पोर्टेंट है आपके लिए पहली चीज़ तो ये चलो ये तो प्रमोशन है लेकिन प्रमोशन के अलावा कुछ चीज़ है जाना मत अभी। एक साढ़े बारह बजे आज एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है प्रीलिम्स मेंस का इसी चैनल पे होगा रीजनिंग का आ जाना ठीक है स्मृति मैम बहुत ही उम्दा कंटेंट आपको दे रही है आप में से बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और एक बार आ रहे हैं तो वापस छोड़कर नहीं जा रहे ये मुझे फीडबैक आपकी तरफ से मिल चुका है कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ मैं तो मुझे पॉजिटिव ही वाइब्स आ रही है और उम्मीद करता हूँ कुछ और लोग नए लोग इससे जुड़ेंगे मैम से जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे आज एक क्लास में जरूर आकर देखना प्रिलिम्स मींस की रीजनिंग की क्लास है दो घंटे लगातार शानदार क्लास होगी बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट के साथ ठीक है ओके okay, ये तो साढ़े बारह की क्लास का हो गया बाकी आपको हम पर वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि हमारे जो कोर्सेज़ पे सोलह परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है वो कोर्सेज का डिस्काउंट कल तक वैलिड है ये बीस परसेंट का डिस्काउंट अब नहीं है इस पर भी सोलह परसेंट का ही डिस्काउंट अभी, अभी अवेलेबल आपको मिल रहा है तो ये बैंक ये कोड अब खैर वैलिड नहीं हो गया सिर्फ सोलह डिस्काउंट है तो आप अगर ये कोर्स खरीदना चाहते हो खरीद लेना आपके पास क्रॉसवर्ड पैकेज है जनरल अवेयरनेस मेरा वाला पैकेज है आपके पास दोनों में दोनों तो ये क्लासेस डी की क्लासेस जो थी फ्री अवेलेबल थी आपके लिए दो दिन के लिए आज की क्लास भी आपके लिए रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो कल की भी और उसके बाद डिसीजन ले लीजिएगा मुझे कोर्स खरीदना है नहीं खरीदना उस क्लास को सुनने के बाद पैंतीस चालिस मिनट की दोनों क्लासेस थी तो देख लेना सुन लेना नॉलेज बढ़ेगी उन दोनों क्लासेस से आपकी एक तो नॉलेज वाली क्लासेस है ऐसे नहीं उस वो सिलेबस वाले उसमें नॉलेज बढ़ेगी वैसे भी सुन लेना अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और पसंद आए तो कोर्स खरीद लेना नहीं आ तो ठीक है वो आपकी इच्छा बाकी जो बैंकर्स हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही डी उनको तो करना ही है उनको तो जैब करना ही है उनको तो मॉनिटरी बेनिफिट हो ही रहा है ठीक है अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं करने वाला था वो ये है कि कल शायद मैं आपकी क्लास ना ले पाऊँ करंट अफेयर्स की कल आपकी क्लास नहीं होगी मैं दिल्ली जा रहा हूँ कल एक दिन के लिए ठीक है आ, कल कुछ ज़रूरी काम है अर्शल सर के साथ थोड़ी मुलाकात है कुछ मीटिंग्स हैं एक आदि हमने किसी से मिलना है आप लोगों की ही क्लासरूम एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए कुछ मीटिंग्स हमने रखी हैं तो कल एक दो जगह पे हमें मिलना है तो कल सुबह मैं दिल्ली में पहुंचूंगा रात को ट्रैवल करूंगा और फिर मैं संडे को आ जाऊँगा तो आपकी कल की जो क्लास है वो मैं संडे को लूँगा संडे को मैं सुबह आठ बजे वापस आ जाऊँगा तो आप मान के चलिए आपकी संडे को मैं क्लास में आपको टाइमिंग वाइमिंग बता दूंगा ठीक है जो भी रहेगी टाइमिंग बट कल की क्लास आपकी सैटरडे को ना होगी कल की क्लास आपकी संडे को यूट्यूब पे शेड्यूल में कर दूंगा संडे को हम करेंगे कल की क्लास तो कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी रिविज़न वगैरह कर लीजिएगा आपकी तब तक और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड बस ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देनी थी कि कल कोई क्लास रहेगी नहीं आपकी परसों हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एनी अदर थिंग आई डोंट थिंक वही और चीज़ है अवेलेबल पेंडिंग है बाकी तो सब बता दिए कोई डाउट है तो पूछ लो किसी तरह कोई क्वेरी है तो पूछ लो बाकी जिसको जाना जा सकता है लाइक वेक तो कर दिया करो करते नहीं हो तुम कमेंट वमेंट कर दिया करो अरे दूसरों के क्लास में तो कमेंट कर रहे हो है मैंने सुना है दूसरे टीचर जो मेरे साथी गण हैं वो अपने वीडियोस के नीचे कमेंट करा के तुम्हें मॉक टेस्ट फ्री में दे रहे हैं है? तुम्हें कमेंट करने का हैं क्या लालच दिया तुम कमेंट कर रहे हो हैं और मैं तुम्हें कुछ देता नहीं तुम मेरी क्लास में कमेंट नहीं करते यार ये तो गलत बात है यार अन्याय है मेरे लिए यार तुम तो बाशल्टी करते हो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट मैम की क्लास में जाके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो हैं हर्षल सर की क्लास में कमेंट कर रहे हो मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मिलेगा मॉक टेस्ट मिलेगा मेरी क्लास में जेनुइन जेनुन क्लास में यार बिना मॉक टेस्ट के कमेंट नहीं होता तुमसे हैं हाँ मिल जाएगी टेनिस अभी मैं अपलोड कर दूंगा दोनों दिन की अभी दस मिनट में हो जाएंगी कोई और शांत कोई और चीज पूछनी है किसी को लेकिन सर मेरा दिसंबर का वन वीक का पेंडिंग हो गया कैसे सर कर रहे हैं उसको कवर करें कल कर लो बेटा एक दिन लगा लो ना एक दिन संडे को कोई और काम मत करो दिसंबर के सारे करंट कर लो बस यही कर सकते हैं और कोई सॉल्यूशन तो है नहीं समझ गए मेरी बात है ना तो एक दिन ऐसा लगा रहा हूँ बाकी सभी सब्जेक्ट छोड़ दो उस दिन बस वो वो कवर कर लो वो वो काम कर लो हो जाएगा फिर दिमाग के ऊपर ना बोझ नहीं रहेगा टेंशन नहीं रहेगी ठीक है हाँ प्रणाद कर देता हूँ मैं नहीं आज नहीं करूँगा मैं संडे को लूंगा बेटा आज वीकली रिवीजन का सेशन नहीं है हाँ फ्राइडे को होता है लेकिन आज नहीं ले रहा मैं मैं संडे को लूंगा यार संडे को मैं क्लास लूंगा अभी एक्चुअली ना वो पीपीटी आज रेडी नहीं हुई थी पीपीटी uh, प्रिपेयर नहीं हो पाई इस वजह से मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ पीपीटी प्रिपेयर नहीं हो पाई जो पीपीटी बना रहा था वो अवेलेब उसने बनाकर नहीं दी मुझे तो इसलिए मैंने वो क्लास शेड्यूल किया संडे को तो वीकली रिवीजन हम संडे को करेंगे ठीक है सर अब अब लर्निंग नीति पर वीडियो क्यों नहीं अच्छा वो क्या ठीक है डाल लेंगे डाल लेंगे हाँ पर ना कर देता हूँ मैं सेंट उस पर भी कर देता हूँ ठीक है चलो ओके थैंक यू बाय बाय मिलते हैं फिर